Hi friends, today's video is the last part of chapter number 7, experiments with water. So friends, let's get started. While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. एक परीक्षण करने के दौरान आयशा और उसके एक चचेरे भाई हामिद के बीच में बहस हो गई. आयशा felt that after stirring it, the oil dissolved in water. आयशा ने ये सोचा कि इतने देर तक चलाने के बाद जो तेल है वो पानी में पूरी तरह से घुल गया होगा. हामिद did not agree. हामिद इससे सहमत नहीं था. He said, look the tiny yellow oil drops can still be seen in the water. उसने कहा कि देखो पीले पीले छोटे छोटे तेल की जो बूंदे हैं वो पानी के ऊपर सतह पे दिख रहे हैं. आयशा said, let's wait for some time and then see. आयशा ने बोला कि कुछ देर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं. Do you think the oil got dissolved in the water? Why do you think so? क्या आप ये सोचते हैं कि पानी में तेल जो है वो पूरी तरह से मिल घुल जाता है? अगर ऐसा है तो ऐसा आप कैसे सोचते हैं? I think that the oil did not dissolve in water. Oil floating on the water surface made me to think so. मैं ये सोचती हूँ कि oil जो है वो पानी में नहीं dissolve होता है. Oil की जो बूंदे कुछ बूंदे होती हैं वो पानी के ऊपरी सतह पे तैरती रहती हैं. इसी वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ. Racing drops, बूंदों की दौड़. आयशा put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. आयशा ने तेल की कुछ बूंदे जो है 2 बूंदे अपने टिफिन के ढक्कन पर डाली. Next to the dad she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. उसके बाद उसने 2 बूंदे पानी की और 2 बूंदे sugar syrup यानी कि चाशनी की जो चीनी की चाशनी होती है उसकी डाली. She tilted the lid. उसने लिड को ऐसे उसने ढक्कन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जैसे इस फिगर में दिख रहा है. उसने हल्का सा टेढ़ा कर दिया है. She saw some drops slide down quickly. उसने देखा कि कुछ बूंदे बहुत तेजी से नीचे आ गई. While some were left behind, और कुछ वहीं रह गई. You also try to do the same and then tell. आप भी यही सेम प्रोसेस करो और फिर बताओ. Which drop went ahead? कौन सी जो बूंद है वो पहले आएगी? Why did it slide faster? और वो क्यों पहले आ रही है? The drop of water went ahead slide faster. Drops of oil or sugar syrup stick to the tiffin box. जो पानी की बूंद है वो सबसे पहले नीचे आएगी और जो ऑयल की और सुगर सिरप यानी कि चाशनी की जो बूंद है वो टिफिन के बॉक्स से चिपक जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी. Where did the water go? पानी कहाँ चला गया? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन आयशा की माँ ने पानी को चढ़ा करके गैस पर चाय बनाने के लिए रखा. She got busy with something and forgot about it. वो किसी और काम में व्यस्त हो गई और वो भूल गई कि उन्होंने गैस पे पानी चढ़ा करके रखा है. When she remembered and came to check, जब उनको याद आया और जब वो आई देखने के लिए, she found only a few drops of water left in the pan. तो उन्होंने देखा कि पानी की कुछ ही बूंदें जो है वो पैन में बची हुई हैं. Think where did the water go? आप ये सोचिए कि पानी कहाँ गया? The water evaporated and turned into vapor. जो पानी है वो evaporate हो गया, वाष्पित हो गया और जो वो पानी जो है वो वाष्प में बदल गया. ये एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण. इस प्रोसेस में पानी जो होता है वो जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो खोलता है और खोलने के बाद वो वाष्पीकरण उसकी हो जाती है, यानी कि वो उड़ जाता है. पानी उड़ करके वाष्प में बदल जाता है और वो ऊपर जा करके आसमान में इकट्ठा हो जाता है वाष्प के रूप में. इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण. व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू अपने मैंगो के जो आम का पल्प था उसको सन में धूप की रोशनी में क्यों रख रहे थे, धूप में क्यों रखते थे? उन्होंने सर इस द चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन सो डैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवेपोरेट. वो इसलिए करते थे कि जो उनके मैंगो पल्प में जो आम के पल्प में जो पानी रहता था वो धूप में रखने से वाष्पित हो जाता था, उड़ जाता था. At your house, what things are made by drying in the sun? आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो धूप में सुखाई जाती हैं? तो हमारे घरों में पोटैटो चिप्स यानी कि आलू का जो चिप्स बनाते हैं उसको भी हम धूप में सुखाते हैं, और पापड़ को हम धूप में सुखाते हैं, और जब हम अचार बनाते हैं तो उसको भी हम धूप में सुखाते हैं. डांडी मार्च. दिस इंसिडेंट took place in 1930 before India became independent. ये घटना
1930 की है, जब भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था. फॉर मेनी ईयर्स टू ब्रिटिश द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ डेट डिड नॉट अलाउ पीपुल टू मेक सॉल्ट. सॉरी, ये घटना 1930 की है, इंडिया के स्वतंत्र होने से पहले की है. फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ डेट डिड नॉट अलाउ पीपुल टू मेक सॉल्ट देमसेल्स. अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसके तहत तो उन्होंने ये अलाउ नहीं किया था कि लोग जो है वो अपने आप से नमक बना सके. दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. और उन्होंने सॉल्ट बनाने पे यानी नमक बनाने पे बहुत सारा टैक्स भी लगाया था. बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम. और इस कानून के तहत लोग इतना भी नमक नहीं बना सकते थे कि वो अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें. हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट. कोई नमक के बिना कैसे जीवित रह सकता है. गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन. ऐसे कैसे कोई भी कानून हमें उस चीज को नहीं इस्तेमाल करने दे सकता है जो कि हमें प्रकृति के द्वारा फ्री में, मुफ्त में मिल रहा है. गांधी जी विद सेवरल अदर पीपुल वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी सी सोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. गांधी जी ने के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने एक लंबी यात्रा की, बहुत अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र तट तक, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस कानून के विरोध में. डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड. क्या आप जानते हैं कि नमक कैसे बनता है. द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. जो समुद्र का जो पानी होता है वो बालू के नीचे नीचे छेद कर करके उसमें इकट्ठा होता है. वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन. और जो पानी होता है वो सूख जाता है. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. और जब पानी सूख जाता है तो जो नमक होता है वो जमीन पर ही पड़ा रहता है. वॉट वी हैव लर्न. हमने क्या सीखा इस चैप्टर से. यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वॉन्ट टू ड्राई इट क्विकली. वॉट ऑल कैन यू डू. आप अपनी रुमाल को वॉश कर रहे हैं, धुल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से सूख जाए. इसके लिए आप क्या करेंगे. आई विल स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ देन आई विल स्प्रेड द हैंडकरचीफ ऑन अ क्लोज लाइन इन द सन और आई विल ड्राई इट फ्रॉम विथ वॉर्म आयरन. मैं अपने रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए उसको उसके अंदर से सारा पानी निचोड़ दूंगी और उसको जो है धूप में जो सुखाने वाली जो तार होती है, कपड़े सुखाने वाली तार, उस पर डाल दूंगी ताकि मेरा रुमाल जो है वो जल्दी से सूख जाए. या तो फिर मैं दूसरा ये करूँगी कि गरम प्रेस में से प्रेस कर दूंगी, उससे भी मेरा रुमाल जो है वो जल्दी से सूख जाएगा. व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी. विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व्स इन वाटर. आप पानी में क्या क्या डालते हैं एक चाय बनाने के लिए और उसमें से कौन कौन सी चीज़ होती है जो पानी में घुल जाती है. For making tea, I put sugar, milk and tea leaves in water. Sugar and milk dissolves in water. मैं चाय बनाने के लिए पानी में शक्कर, दूध और चाय की पत्ती डालती हूँ जिसमें से sugar यानी कि शक्कर और दूध जो है वो पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह से. Have you been given some मिश्री pieces, lumps of sugar, कुछ चीनी के टुकड़े होते हैं उनको मिश्री कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं. Suggest some ways to dissolve them quickly. और ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे वो जो है आसानी से जल्दी से घुल जाए. तो सबसे पहला ये इसका मेथड होगा इसको आसानी से घुलाने के लिए. सबसे फर्स्ट है क्रश द मिश्री पीसेज इन टू फाइन पाउडर. जो मिश्री के जो टुकड़े हैं उनको क्या करेंगे, उनको पीस करके उनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे जिससे फिर वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाएंगे. सेकंड है पुट इन वाटर एंड स्टेयर कंटिन्यूअसली. उसको हम पानी में डाल के लगातार हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, उससे भी वो पानी में आसानी से घुल जाएगा. और थर्ड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वे है कि यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन ए फ्लेम. हम उसको पानी में डाल करके पानी को गैस स्टोव पे चढ़ा के गर्म कर लेंगे. जब हम गर्म करेंगे तो वो अपने आप घुल जाएगा मिश्री पानी में और आराम से घुल जाएगा. सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है. चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर. इसके आगे मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स. थैंक यू फ्रेंड्स.